छोटे थे तब से एक गाना हम सुनते आए हैं। इतना बढ़िया गाना है कि उसको सुनते ही हमारे हृदय को ऐसी चोट लग जाती थी कि हम तुरंत ही हम अपनों के पास पहुंच जाए। कुछ इस तरह से उसके बोल थे, चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है, बड़े दिनों के बाद हम बेवतनों को याद, वतन की मिट्टी आई है, चिट्ठी आई है वतन से चिट्ठी आई है। आज के ज़माने में अगर देखने जाए तो कुछ इस प्रकार से भी आपने गाना सुना होगा कि संदेश ले आते हैं हमें तड़पाते हैं। ये कुछ इस तरह से बातें हम करते हैं कि डाकिया जो माथे टोपी खादी वर्दी साइकिल के साथ हर एक घर पर जाकर अपनी खुशियां बांटता, किसी के साथ गम बांट लेता, किसी का अगर आया है प्रेम पत्र या किसी के आया है नौकरी की जानकारी, किसी के पास दुखद समाचार है तो किसी के पास है कोई शादी का न्योता। पर आजकल तो ईमेल, व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टा पे तो ऐसी धूम मची है कि चिट्ठियाँ क्या होती है उसका डेफिनेशन शायद तक आने वाली जनरेशन को बताना मुश्किल होगा, पर यहाँ पर बेरंग बेनाम चिट्ठियाँ हमें बता रहे हैं राम दशरथ मिश्र अपनी कविता के माध्यम से। उससे पहले हम थोड़ी जानकारी लेते हैं राम दशरथ मिश्र के बारे में। राम दशरथ मिश्र जन्म गांव डुमरी जनपद गोरखपुर में हुआ। प्रारंभिक शिक्षा पास के गांव के अंदर बिशनपुर में हुई। उन्होंने मैट्रिक, इंटर और उच्च शिक्षा बनारस से प्राप्त की। दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर सेवानिवृत्त होकर दिल्ली में भी बस गए और काफी बेहतरीन साहित्य सम्मान के साथ उसने अपना कार्य किया। दिल्ली साहित्य अकादमी ने उसको राष्ट्रीय पुरस्कारों से भी नवाजा और आज आज उसकी कविता से हम उसकी थोड़ी तारीफ सुनेंगे। पर उससे पहले हम समझते हैं कि बेरंग बेनाम चिट्ठिया पोएम नंबर 15 स्टैंडर्ड 12th आपको समझाने की कोशिश करूंगा मैं महेंद्र जोशी। क्या बताते हैं कि डाकिया के माध्यम से कवि हम एक ऐसे किरदार की रचना की है कि जो दुख दर्द और अकेलेपन से पीड़ित लोगों तक मानवीय संवेदना और उम्मीद बांटता फिरता है। डाकिया एक ऐसा बिंब है जो उस लोगों तक सहानुभूति और करुणा से पहुंचाने का काम करता है, जिसका अपना कोई नहीं है। कवि कहता है कि बिना नाम और पते की चिट्ठियां जिन पर भेजने वाले ने जरूर डाक टिकट भी नहीं लगाया है, ऐसी चिट्ठियों को भी किसी एक व्यक्ति तक पहुंचाने की बजाय डाकिया समाज के संपूर्ण पीड़ित समुदाय को पहुंचाकर आश्वस्त करने की कोशिश करता है। और क्या कहता है कविता में कि कब से यह बेरंग बेनाम चिट्ठियां लिए हुए, कब से यह बेरंग बेनाम चिट्ठियां लिए हुए यह डाकिया दर दर घूम रहा है, दर दर गली गली मोहल्ले मोहल्ले, कोई नहीं वारिस इस चिट्ठी का, कोई नहीं वारिस इस चिट्ठी का, कौन जाने किसका अनकहा दर्द, किसके नाम इस बंद लिफाफे में है। कौन जाने किसका अनकहा दर्द इस लिफाफे में है, पत्ते की तरह कांप रहा है ये। मैंने भी तो एक बेरंग चिट्ठी छोड़ी है। कवि कहते हैं कि मैंने भी तो एक बेरंग चिट्ठी छोड़ी है, पता नहीं किसके नाम, शायद वह भी इसी तरह से सतरों के होठों से अपने दर्द कसे यहां वहां घूम रही होगी। मित्रों, हमारी तुम्हारी ये बेरंग लावारिस चिट्ठियां किसी दिन लावारिस जगह पर
पर कटे पंखों की तरह पड़ी पड़ी फड़फड़ाएगी। और कभी किसी दिन कोई अजनबी और कौतूहलवश उठाकर पड़ेगा तो तड़प उठेगा, ओ बहुत दिन पहले किसी ने ये चिट्ठियाँ शायद मेरे ही नाम लिखी थी। इस तरह से इस कविता में डाकिये के माध्यम से कवि ने एक ऐसे किरदार की रचना की है जो दुख दर्द और अकेलेपन से पीड़ित लोगों को मानवीय संवेदना देने का कार्य कर रहा है। डाकिया बेरंग बेनाम चिट्ठियां लेकर दर दर घूम रहा है। इन चिट्ठियों का कोई वारिस नहीं है, मालिक नहीं है। बंद लिफाफे में अनकहा दर्द पेड़ पे लगे हुए पत्तों की तरह कांप रहा है। कवि ने बेरंग बेनाम चिट्ठियां छोड़ी है, जिसका अर्थ यह होता है कि बिना टिकट बिना पते की चिट्ठियां कवि ने भी ऐसे बेरंग चिट्ठी छोड़ी है जिसका कोई अता पता नहीं है, और ऐसी चिट्ठी डाकिया लेकर इधर उधर घूम रहा है। कवि कहने कहा है कि मित्रों, हमारी तुम्हारी ऐसी बेरंग बेनाम लावारिस चिट्ठियां किसी दिन लावारिस जगह पर एक पर कटे पंछी की तरह पड़ी हुई फड़फड़ाएगी। किसी दिन कोई अजनबी उसे कौतूहलवश आश्चर्य के हिसाब से उठाकर पड़ेगा और तड़पेगा। कवि ने कहा है कि बहुत दिन पहले किसी ने बेरंग बेनाम चिट्ठियां शायद मेरे ही नाम पे लिखी थी, जो आज मुझे इस तरह से प्राप्त हुई है। ये थी पोयम 15, बेरंग बेनाम चिट्ठियां, कवि रामदशरथ मिश्र और आपका मित्र महेंद्र जोशी।